नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सत्ता। आज का हमारा टॉपिक है दादू दयाल, और आज हम दादू दयाल के बारे में पढ़ेंगे। जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें दादू दयाल का नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने पराब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। एक निपक संप्रदाय भी जिन्होंने चलाया था, जो असांप्रदायिक संप्रदाय था। और जब हम दादू दयाल की बात करते हैं तो दादू दयाल के 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 शिष्य एकांतवास में जीवन व्यतीत किया करते थे। केवल 52 शिष्य थे जो जनता के सामने दर्शन दिया करते थे, जनता को उपदेश दिया करते थे। केवल 52 शिष्य था। जब दादू दयाल की बात की जाती है तो दादू दयाल ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भी मुलाकात की थी, क्योंकि भगवंत दास और जो मानसिंह थे ये इनसे इसका बड़ा अच्छा संबंध था आमेर के शासकों से, और इन्हीं की वजह से इसने जो मुगल शासक जो अकबर था उससे भी मुलाकात की थी। तो आज हम इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। दादू दयाल की जब बात की जाती है तो इनका जो जन्म है 1544 ईस्वी को अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ था। और जब हम बात करते हैं अहमदाबाद गुजरात से, ये दादू दयाल राजस्थान में आ जाते हैं। जी हाँ, दादू दयाल राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान की भी जब हम बात करते हैं तो ये सांभर आते हैं। कहां पर आते हैं? सांभर आते हैं। सांभर की जब बात की जाती है तो यहां पर नमक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नमक यहां पर बनाया जाता है। और ये दादू दयाल ने भी क्या काम किया था? शुरुआत में यहां पर नमक वाला काम किया था, जिसे एक धुनिया का कार्य भी किया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुनिया का कार्य भी जिसे कहा जाता है। तो इसने नमक बनाना इन्होंने प्रारंभ किया था वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि सांभर में नमक बनाया जाता है। और जब हम यहां की जब हम बात करते हैं तो जो दादू दयाल के जो गुरु हैं, जब दादू दयाल के गुरु की बात की जाती है तो जो कबीर के जो पुत्र हैं, जी हाँ, कबीर के पुत्र जो कमाल हैं, ये दादू दयाल के क्या थे? गुरु थे। जो कमाल थे ये दादू दयाल के गुरु थे, जो किसके पुत्र थे? कबीर के पुत्र थे। और ये कमाल इसके क्या थे? गुरु थे, ठीक है ना। अब एक बात ये है, जब हम दादू दयाल की बात करते हैं तो दादू दयाल ये बात स्पष्ट करता है और कहता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। गुरु है तो ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये बात जो कहते हैं दादू दयाल, ये बात कहते हैं, जी हाँ, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो कमाल जो थे ये इसके गुरु थे। अब ये यहां राजस्थान में सांभर में आ जाते हैं और ये अजमेर के पास ये रहना शुरू कर देते हैं। कहां पर? अजमेर के पास ये रहना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर सांभर में ही ये अपने लोगों को जो मानने वाले थे उनके लिए यहीं पर ये उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। कहां पर? सांभर में ही ये उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। अब जो लोग हैं अब वो इसे मानना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद हम बातें करते हैं दादू दयाल की। जब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा था ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री और पुरुष समान हैं। क्या हैं? समान हैं। ईश्वर के समक्ष सभी स्त्री और जो पुरुष हैं वो समान हैं। ये बात जो कहते हैं दादू दयाल कहते हैं, जी हाँ, सभी समान हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। किसके समक्ष? ईश्वर के समक्ष। ये बात कौन कहते हैं? दादू दयाल कहते हैं कि भाई सभी समान हैं ईश्वर के समक्ष, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं दादू दयाल का प्रारंभिक जो नाम था वो क्या था? प्रारंभिक नाम, इसका प्रारंभिक नाम महाबली बताया जाता है। क्या? महाबली बताया जाता है। इसका प्रारंभिक नाम महाबली था। और जाति से क्या था? जाति से ये दुनिया था।
जाति से ये धुनिया था, ये धुनिया जाति जो मैं अभी आपको प्रयोग कर रहा था, ये जो धुनिया जाति होती है ये वो जाति होती है जो नमक बनाती है। क्या बनाती है? नमक बनाती है। ये धुनिया जाति नमक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? नमक का कार्य करती है। ये क्या बनाती है? नमक बनाती है। और ये सांभर में भी इन्होंने नमक का ही काम किया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया। जी हाँ, इन्होंने जो अपना केंद्र है, इन्होंने अपना जो केंद्र है वो किसको बनाया? जी हाँ, हम बात करते हैं नराना। नराना, जी हाँ, नराना की जब हम बात करते हैं, जो नराइना है, कौन सा है? नराइना। नराइना जो है, इस नराइना की जब हम बात करते हैं, इसको इसने अपना केंद्र बनाया। किसको? नराइना को अपना केंद्र बनाया। जो नराइना जो जयपुर में स्थित है, कहां पर है? जयपुर में स्थित है। ये इसका क्या था? केंद्र था नराइना ये। और हम जब पीठ की बात करते हैं, जो इसकी पीठ थी, जब हम इसकी पीठ की भी बात करते हैं तो इसकी पीठ भी क्या थी? नराइना, जो जयपुर में इसकी पीठ थी, मुख्य पीठ थी। क्या थी? मुख्य पीठ थी। कहां पर? जयपुर में, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं इसका, इसके जो दादू दयाल के जो कथन है, कथन है जो दादू दयाल की वाणी है, वाणी है जो कथन है, वो दादू, वो किस मिलता है? वो मिलता है दादू के जो कथन है, जो इसकी वाणी है वो मिलती है दादू वाणी में मिलती है। किसमें मिलती है? दादू वाणी। इसमें दादू दयाल की वाणी इसके अंदर दे रखी है, जिसे दादू वाणी कहा जाता है। ये इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। अब ये दादू वाणी हो गई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दादू पंथ को। जब हम बात करते हैं दादू पंथ की, जब हम बात करते हैं किसकी? दादू पंथ। दादू पंथ को पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर ब्रह्म संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। पर ब्रह्म संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसे निपक संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निपक संप्रदाय। अब बात है कि निपक संप्रदाय क्या होता है? ए सांप्रदायिक, ए सांप्रदायिक जो संप्रदाय होता है, ए सांप्रदायिक, ए सांप्रदायिक। अर्थात हम बात करते हैं निपक संप्रदाय में कोई सांप्रदायिकता की कोई बात इसके अंदर नहीं की जाती है। ये असांप्रदायिक होता है जो ये निपक संप्रदाय है, ठीक है ना। हम बात करते 85 ईस्वी में दादू दयाल अकबर से मिलने के लिए, अकबर से मिलने के लिए कहां पर जाते हैं? फतेहपुर सीकरी जाते हैं। कहां पर जाते हैं? फतेहपुर सीकरी गए। किससे मिलने के लिए? अकबर से मिलने के लिए। अब बात की जाती है कि अकबर से इसे किसने मिलाया था। यह भी माना जाता है कि मान सिंह की वजह से ये अकबर से मिले थे, और कुछ मानते हैं कि भगवंत दास की वजह से ये अकबर से मिले थे। किसकी वजह से? भगवंत दास की वजह से ये अकबर से मिले थे, ऐसा इसके बारे में मानना जाता है। और अकबर से मुलाकात कहां पर की थी? फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी, ठीक है ना। हम बात दरीबा, अलख दरीबा, एक शब्द है अलख दरीबा। जो ये अलख दरीबा शब्द है ये क्या चीज है? और ये जो अलख दरीबा जो है ये इसी से संबंधित है, ये दादू दयाल से संबंधित है। जहां पर सत्संग किया जाता है, जहां पर सत्संग किया जाता है उसे कहते हैं अलख दरीबा। जिसे हम सूफियों में कहते हैं खान कहा कहते हैं, उसी तरीके से दादू दयाल जहां पर सत्संग स्थल था उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। और ये अलख दरीबा जो है ये दादू पंथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? दादू पंथ से संबंधित है। जो एक सत्संग जो स्थल जो होता था उसे कहते हैं अलख दरीबा, उसे कहते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं दादू के शिष्यों की। जब हम बात करते हैं भाई दादू के जो शिष्य थे वो कितने थे? 152 शिष्य थे दादू के। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। अब हम बात करते हैं दादू के 100 जो शिष्य थे वो एकांतवास में रहते थे। कहां रहते थे? एकांतवास में रहते थे।
अर्थात एकांतवास का मतलब यह है ये जनता के सामने दर्शन नहीं दिया करते थे, केवल एकांतवास में रहा करते थे, जनता के सामने दर्शन नहीं देते थे। कितने नहीं देते थे? 100 नहीं देते थे। अब जनता को जो दर्शन देते हैं वो केवल 52 शिष्य जनता को क्या देते हैं? दर्शन देते हैं। इसीलिए इसे 52 स्तंभ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? 52 स्तंभ कहा गया है। जी हाँ, क्या कहा गया है? 52 स्तंभ कहा गया है। इसके बाद हम बातें करते हैं जो दादू दयाल है। दादू दयाल की जब बात की जाती है, यह मृत्यु के बाद, यह मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद जलाते नहीं हैं, जलाते नहीं हैं, और ये मृत्यु के बाद दफनाते भी नहीं हैं। अब प्रश्न है, ना तो भाई ये जलाते हैं मृत्यु के बाद, और ना क्या करते हैं, ना दफनाते हैं और ना जलाते हैं, तो फिर करते क्या है ये? भाई जलाते भी नहीं है, दफनाते भी नहीं है, ये क्या करते हैं मृत्यु के बाद? ये मृत्यु के बाद व्यक्ति की डेथ बॉडी को जंगल में छोड़ देते हैं किसी चारपाई पर लिटाकर, और जीव जंतु उसके मांस को खा जाते हैं, और फिर जो हड्डियां जो बचती हैं उन हड्डियों को ये दफनाते हैं। क्या करते हैं? उन हड्डियों को ये दफनाते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो ये जंगल में छोड़ देते हैं। कहां पर छोड़ देते हैं? जंगल में ये छोड़ देते हैं। अब बात है, हम बात करते हैं 1603 ईस्वी में दादू दयाल की मृत्यु होती है। दादू दयाल की मृत्यु जो है वो 1603 ईस्वी में होती है। अब प्रश्न है कि भाई दादू दयाल की मृत्यु के बाद दादू दयाल के शरीर का क्या किया गया था? तो दादू दयाल का जो शरीर है, क्योंकि जलाते नहीं है, तो ये जयपुर में भैराना नामक जगह पड़ती है, भैराना का जंगल जो है, यहां पर दादू दयाल के शरीर को जंगल में इसके शरीर को छोड़ा गया था। जी हाँ जी, पारसी की तरह, लेकिन पारसी जो होते हैं वो टावर पर 101 फीट ऊंचा टावर होता है उस पर डालते हैं जी, ठीक है ना। पारसी जंगल में नहीं छोड़ते डेथ के बाद, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, एक टावर होता है ऊंचाई पर 101 फीट, वहां पर छोड़ते हैं, और जो बाज होता है, जो चील जो होती है, गिद्ध जो होते हैं, वो उसके मांस को खाते हैं, लेकिन ये जंगल में छोड़ते हैं। ये अंतर है, ठीक है, सेम नहीं है, अंतर है, ठीक है। हम बात करते हैं भैराना के जंगल में इसके शरीर को छोड़ा गया था, किसके? दादू दयाल के शरीर को छोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं, एक दादू दयाल का शिष्य था, जी हाँ, एक रज्जब पठान दादू दयाल का शिष्य था, रज्जब पठान। जब दादू दयाल प्रवचन दे रहे थे, रज्जब पठान घोड़ी पर चढ़कर ये कहां जा रहा था? इसका विवाह था उस दिन, घोड़ी पर चढ़ा हुआ था, ठीक है ना, इसका विवाह था उस दिन, ये घोड़ी पर चढ़ा हुआ था। कौन? रज्जब पठान। जब रज्जब पठान के कानों में जब दादू दयाल के प्रवचन गए, दादू दयाल उस समय प्रवचन दे रहे थे, और दादू और रज्जब पठान का विवाह था, जब रज्जब पठान के कानों में जब इसके प्रवचन गए दादू दयाल का, तो उस समय रज्जब पठान ने दूल्हे के वेश में ही अपनी शादी को छोड़ दिया, और उसी समय ये किसका शिष्य बन गया? ये दादू दयाल का शिष्य बन गया। और जो ये रज्जब जो पठान है, हमेशा ये दूल्हे के वेश में रहते थे। ये हमेशा दूल्हे के वेश में रहते थे, जो रज्जब पठान थे, हमेशा दूल्हे के वेश में रहते थे, और ये घोड़ी पर ये सवार रहते थे। और ये रज्जब पठान की जो मजार है, इसकी मजार जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में जो इसकी मजार है वो सांगानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सांगानेर में इसकी मजार स्थित है रज्जब पठान की, ठीक है ना। और जब रज्जब पठान की बात की जाती है, तो रज्जब पठान कहता है कि यह संसार वेद है, और जो ये सृष्टि है ये कुरान है। सृष्टि क्या है?
पुराण है, ये बात जो कहते हैं, ये बात कौन कहते हैं, ये रज्जब पठान ये बात कहते हैं। और रज्जब पठान की हम ये भी कह सकते हैं, ये हिंदू और मुसलमान एक दोनों के बीच में एक मध्यस्थता का काम भी इन्होंने किया था, जो हमेशा दूल्हे के वेश में रहते थे। इसने कहा था ये संसार वेद है, सृष्टि ये क्या है, कुरान है, ये बात जो कही थी ये रज्जब पठान ने कही थी, ठीक है ना। अगली हम बात करते हैं, दादू दयाल की मृत्यु के बाद ये चार भागों में विभाजित हो जाता है। कौन? दादू पंथ। एक खालसा में विभाजित हो जाता है, एक व्रक्त में विभाजित हो जाता है। किसमें? व्रक्त में विभाजित हो जाता है। इसके बाद उत्तरोध में विभाजित हो जाता है, उत्तरोध में विभाजित हो जाता है, उत्तरोध में भी ये विभाजित हो जाता है। नंबर जो फोर्थ है खाकी, क्या है? खाकी, सॉरी पांच में होता है खाकी, और एक है नागा, एक है नागा। तो हम ये कह सकते हैं दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ, दादू दादू पंथ जो है, दादू की मृत्यु के बाद जो दादू जो पंथ है, जी हाँ दादू पंथ जो निपक संप्रदाय है, हम इसे निपक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो निपक संप्रदाय है, जो अलख दरीबा है, अलख दरीबा, अलख दरीबा जो है ये इनका क्या था, सत्संग स्थल था, क्या था, सत्संग स्थल था, ठीक है ना। तो ये निपक संप्रदाय और दादू पंथ जो है, दादू दयाल की मृत्यु के बाद ये मुख्यतः पांच भागों में विभाजित हो जाता है। नंबर एक है खालसा है, नंबर दूसरा विरक्त है, नंबर तीसरा उत्तरोदय है, नंबर चौथा खाकी है, नंबर पांचवा जो है नागा है। तो ये दादू संप्रदाय अर्थात दादू दयाल के बारे में था, जो एक भक्ति आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं, और राजस्थान के ये एक बहुत बड़े एक संत थे राजस्थान के। और जब हम बात करते हैं इन्होंने इनके संप्रदाय को पर ब्रह्म संप्रदाय भी इसके संप्रदाय को कहा जाता है, जी हाँ निपक संप्रदाय पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। तो उसी से संबंधित हमारा ये टॉपिक था। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।